देखिए दोस्तों, मैं इस फ़ोन का रिमोट अपने इस फ़ोन में लूँगा, जो जैसे ये फ़ोन है, दूसरा फ़ोन है, इसका जो रिमोट है ये अपने फ़ोन में लूँगा, जिसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं उसका जो आईडी है इस पर पेस्ट कर दूँगा अपने फ़ोन पे। देखिए सेम है 947, फिर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। अब जो ये फ़ोन मेरे पास है, इसके अंदर मैसेजेस आएंगे, ऑप्शंस आएंगे एक्सेप्ट करने के लिए, तो हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एनीडेक्स विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग, स्टार्ट दिस प्लान, और इससे हम स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट नाउ, रियलमी रिक्वेस्ट, इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अब ये फ़ोन मेरे इसमें आ चुका है। जैसे मैं इसे बैक करता हूँ, ये स्क्रीन साफ देखो इसमें आ गया, सेम आ गया। इसे मैं ऐसे करता हूँ, ये जो फ़ोन है ये लेनोवो का है, जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये रियलमी का है। अब जो जो यहाँ करूँगा सब यहाँ दिखाई देगा। ऊपर करता हूँ मैं, लेकिन ये जब तक रहेगा जब तक नेट कनेक्शन दोनों का चालू है। जैसे नेट बंद होगा किसी एक का, ये सब हट जाएगा। जितना अच्छा इंटरनेट होएगा उतना अच्छा वीडियो क्वालिटी आएगी। और हाँ दोस्तों, इसमें जो एक चीज़ है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप आवाज़ सुनाई दे आपको, यदि आप चाहते हैं कि आपको आवाज़ सुनाई दे एनीडेक्स से, तो आप इस पे जाइए, एनीडेक्स पे जाइए। अब मैं तो वो, अब मेरा हायर, अब मेरा वाला ये है, इस पे जाइए। अच्छा एक मिनट रुकिए, ये जो दिख रहा है ये जो ये होता है स्क्रीन के लिए, ताकि पूरी स्क्रीन शो हो। ये होता है इनपुट के लिए, माउस, टच पैड, कीबोर्ड। फिर इस पर कीजिए, ये जो यहाँ पे रेड कलर का निशान दिख रहा है गलत, ये होता है काटने के लिए, सीजन को एंड करने के लिए, ये वो सेटिंग के लिए होता है। इस पर क्लिक कर दिया मैंने। अब जैसे कि ये कह रहा है, ऑडियो कह रहा है ये, तो आप चाहो तो यहाँ से ट्रांसमिट साउंड यहाँ से ओके कर सकते हो। शुरुआत में भी नहीं, अभी तो चालू हो चुका है। डिस्प्ले ऑडियो पर जाकर आप यहाँ से ऑन कर देंगे तो ऑडियो ट्रांसमिट हो जाएगा। बाकी जो मेन चीज़ होता है ये होता है, यहाँ से स्क्रीन लेकर आ जाइए, स्क्रीन आ जाएगी आपकी ये पूरी। ये सेटिंग का है, ये गलत निशान है। अब देखिए मैं थोड़ा इस पर कुछ चलाता हूँ, जैसे ये यूट्यूब खोल रहा हूँ मैं, क्या खोल रहा है, ये है यूट्यूब, यूट्यूब खोल, यूट्यूब खोल दिया मैंने, यूट्यूब खुल गया है। नो थैंक्स। इस तरीके से आप बड़ी आसानी तरीके से एनीडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी वीडियो के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो साउंड कहाँ से एक्टिवेट करते हैं, कि आप जैसे मैं आप बोल रहा हूँ तो दूसरे फोन में आपकी आवाज़ भी आएगी बोलते बोलते, ऐसा भी है ये। नो थैंक्स तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं इसे कट कर देता हूँ, यहाँ जाऊँगा, कट के सामने कट कर दिया मैंने, कनेक्शन कट गया। अब मैं आपको दिखाऊँगा ये जो मैंने ये किया था सेजन, यहाँ से होगा ये, दोबारा लॉगिन कर सकते हैं आप। इस पे जाइए, सेटिंग्स पे जाइए, ऑडियो पे जाइए, इनेबल प्लेबैक यस कर दीजिए, ऑलरेडी यस रहता है, इनेबल ऑडियो ट्रांसमिशन, यहाँ से भी इसको यस कर सकते हैं ताकि ऑडियो जाए, मैंने कर रखा है, आपको यहाँ से कर लेना है, सेटिंग कर लेना है आपको। बाकी सिक्योरिटी का ये, आप चाहते हो कि एक बार हो, चाहते हैं कि एक बार हो ज़्यादा वो ना करना पड़े, अलाउ ना करना पड़े, तो यहाँ पर अलाउ कर दिया ऑलवेज,
आप चाहते हो कि उसको बार बार एक्सेप्ट ना करना पड़े तो यहाँ पर इनेबल अनअटेंडेड एक्सेस इस पर क्लिक करके पासवर्ड सेट कर दीजिएगा। फिर एक बार पासवर्ड लेगा उसके बाद हमेशा से अपने आप ही सारा हो जाएगा एक्सेप्ट, एक तरह से वो लेस सिक्योर हो जाएगा। वो ऑडियो के लिए यहाँ चाहते हैं कि आप जो ये मैंने लिख रखा है दिल्ली @ ये आप यहाँ से लिख सकते हो। ये देखिए ये एलियास पे क्लिक कीजिए और वो लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे अपनी तरफ से। दोबारा कनेक्ट करना हो तो इस पर क्लिक कीजिए। आप देखिए इस फोन, ये फ़ोन चालू है। ये कह रहा है कि कुड नॉट लॉग इन द रिमोट कंप्यूटर एंड इस विंडो मस्ट बी ओपन। अब मैं इसमें विंडो ओपन करना पड़ेगा मुझे, ये मना कर रहा है, कह रहा है कि पहले ओपन करो। ये लो मैंने ओपन कर दिया। ओके करता हूँ, दोबारा एंटर करता हूँ। एंटर किया, पहले से कहीं रखा है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए प्लीज़ वेट, यहाँ इसलिए रिक्वेस्ट आ चुकी है इसमें। इसमें स्टार्ट नाउ कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट के बाद जो ये राधा कृष्ण बन रहे हैं ये भी सामने आ जाएंगे। ओके दोस्तों धन्यवाद। अभी से कट करता हूँ यहाँ से, कट। बस इतना ही आज के लिए।